सो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? जूले फ्रॉम ले। तो अभी हम ले में हैं और मैं एक होम स्टे में रुका हुआ हूँ। मैं इसकी छत में आया हुआ हूँ। मैं थोड़ा सा ऊपर जाता हूँ, मैं आप लोगों को दिखाता हूँ नज़ारे, अगर यहाँ से दिख पाते हैं तो। इससे पहले मैं गया नहीं था वैसे, छत में चढ़ने की सोची, बट छत तो टीन की है। यहाँ सारे मकानों की छत ज़्यादातर टीन की होती है। खैर, फिलहाल आप लोग देखो नज़ारे। और टाइम हो रखा है सुबह के 10। हम लोग उठे, उसके बाद जस्ट नहाया मैंने, ठंडे पानी से नहाया ले में, क्योंकि हम लोग पहाड़ से हैं तो अभी तो उतना ठंडा नहीं लग रहा, बट मेरा गला बैठ गया है, देखते हैं क्या होता है। खैर, फिलहाल अभी मैं नीचे जा रहा हूँ, गाड़ी में चेन ल्यूब करनी है मैंने, उसके बाद मैं कपड़ों में, देखो ये आयरन हुआ नहीं है, मैंने डायरेक्ट डाल दिए थे तो सारे कपड़े गंदे हो गए, तो उसमें आयरन कराता हूँ, उसके बाद पहले ब्रेकफास्ट करते हैं पहले। ये हमारा ऐसा टाइम रहता है, प्रीशियस टाइम, यहाँ पर को हम लोग सारा पूरा ग्रुप, पूरी टीम डिस्कशन करती है कि हम लोगों ने आज क्या करना है, कैसा प्लान रहेगा। बाकी पराठे बहुत टेस्टी है, और जिन अंगल ने बनाया, जिनके होम स्टे में रुके हैं, आप लोगों को मिलाऊंगा उनसे, सब कुछ बताऊंगा यहाँ अगर आप लोगों ने आना है तो कैसे क्या करना है। बाकी एक बार ब्रेकफास्ट कर लेते हैं, किसी ने कहा है कि खाते टाइम बोलना नहीं चाहिए, मैंने कहा। हेलो गाइस, हम जा रहे हैं अभी थोड़ा कपड़े को मतलब प्रेस कराने के लिए, तो इस चक्कर में अभी हमारे सौरभ भैया के कपड़े हैं। एक्चुअल में क्या है ना यार, चेन लूप तुमने कर दिया इसमें ना, चेन लूप है उसमें, अब इसका बोल्ट चेंज करवाना है हमने। रॉयल एनफील्ड के शोरूम में चलते हैं और कपड़े तब तक प्रेस करने को दे देते हैं, बिल्कुल वहाँ टाइम बच जाएगा। बिल्कुल, ये अंकित वाला हेलमेट पहनता हूँ मैं। अब एक काम करो, ये अंकित की जो ड्यूब है तुम लेके आओ, ठीक, बाकी ये मैं लेके जाता हूँ, ठीक है। तो चलते हैं फिर अब डीप पे। सो गाइस, मैं अभी हूँ संगम लॉन्ड्री, ये छोटा भाई है लेकिन इसके फादर साहब करते हैं प्रेस, और वो है नहीं, तो मैंने कहा भाई से रिक्वेस्ट करी यार, मैंने कहा कर दे, मैंने कहा क्या पहनूंगा मैं, तो मतलब भाई इतना अच्छा है, इसने बोला कि आप ही कर लो, मेरे को तो आता नहीं है, मेरी मम्मी लोगों ने सिखाया नहीं, मम्मी तू देख लिया तो सिखाना चाहिए था, तो भानु भाई कर रहे हैं प्रेस, कर दो करके बढ़िया कर दो यार, उल्टी करोगे उल्टा करते हैं, करो करते हैं, ठीक है, थैंक यू, करो, ठीक है, हाँ ओके बाय। तो लॉन्ड्री का काम करवा लिया भाई ने, सलून में जाना है तो कराओ तुम अपना कराओ, ठीक है। अभी मैं रॉयल इनफील्ड के सर्विस सेंटर आया हूँ यार, और सब जगह हिमालय में, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एक अपनी बार 13 14 15 16 17 18 19 20 22 22 हिमालय में यहीं खड़ी है, और इतनी ज़्यादा हिमालय में पूरे मार्केट में भरी पड़ी है, अब बेइज्जती जैसी लग रही है अपनी गाड़ी की, हर किसी के पास है ना, इसलिए चलो क्या करना है, मैं अपनी गाड़ी का काम करवा ले रहा हूँ। ये हॉर्न वाली बहुत दिक्कत हो रही है, सभी गाड़ियों में आ रही है प्रॉब्लम है, इसी में भैया हॉर्न वाली, ये बार बार निकल जा रहा है, बड़ी दिक्कत कर रहा है। सो गाड़ी का काम तो करा दिया है, लेकिन बज रहे हैं 1, गर्मी इतनी हो रही है, देखो साइड सीन करना था लेकिन यार चटके लग रहे हैं, यहाँ पे साइड में ये बुद्धिस्ट लोगों का कुछ हो रहा है, पूजा टाइप की। सो अभी मैं मार्केट में आया हुआ हूँ, तो ये इधर आसपास जो है बाइक रेंट वाली दुकानें हैं, और भैया से मैंने एक प्राइस पूछेगा, भैया बता देंगे तो बढ़िया है। भैया क्या प्राइस बोला आपने, कौन सा प्राइस, किसकी, सभी का बता दो, बुलेट में, बुलेट 500 का है, 2000, अच्छा 500 सीसी का, 500 सीसी, हाँ, हिमालयन का, हिमालयन का है 2500, BS4, BS6 दो है, 2800, जो अभी नया वाला आ रखा है 2021 वाला है 2800, और 350 है 1600। अच्छा ठीक हो गया, अगर आप लोगों ने लेना है तो आप लोगों को एक आइडिया आ जाएगा, और बाकी क्या बोलते हैं, पास अभी बनाने की ज़रूरत नहीं है बोल रहे हैं, तो हम लोग नूबरा और इससे पहले पेंगोंग के लिए पास बनता था, अभी हम लोग पास बनाएंगे नहीं, बाकी आप लोग देख लो लद्दाख बाइक हायर, ये सारी दुकानें हैं, कहीं पर भी आ जाओ, बहुत सारी हैं यहाँ, कहीं पर भी आप आ के ले सकते हो। सो एक रफ आइडिया आप लोगों को आ जाएगा कि हाँ ऐसा कुछ है करके। मॉल रोड में हम लोग अभी खाना खाने के लिए आए हैं, तिब्बतियन रेस्टोरेंट है वेज थोप्पा, बहुत कम मिलता है वैसे, चलो दिखने में मतलब मस्त लग रहा है और टेस्ट भी बहुत अच्छा है, मोमो और ये नॉन वेज थोप्पा, मोमो का टेस्ट मैं ट्राई करके बताता हूँ, बड़े मोमो इधर साइज़ में, चटनी नहीं मिलती मोमो की, ठीक है चलेगा। अगर आप लोग लेह आते हो तो शाम को मतलब 4 बजे से पहले पहले यहाँ पहुँच जाओ, क्योंकि नज़ारे बदल जाते हैं, और एक दिन रुकते हैं तो अच्छा है, ऊपर मॉनेस्ट्री है इधर, और अभी हम लोग बुद्धा स्तूपा जाने के लिए
रूम पे जाते हैं थोड़ा सा तैयार होते हैं। तैयार होने का मतलब है कि मुंह धो लेते हैं क्योंकि अभी तक तो चटके लग रहे थे गर्मी की वजह से। सो गाइस 5 बजने वाला है और हम लोग तैयार हो गए हैं शांति स्तूपा जाने के लिए। शांति मतलब वाइट 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 वाइट, ये हमारे ब्रो है सहवाग भाई सलेमान ब्रो। के बीच में जो चक्र होता है ना वो ब्लू कलर का ही होता है यहाँ तक। अरे वाह यार, ये क्या पॉइंट मारा। उसके बाद देखो ये घोस्ट राइडर, ये राइडर ही है हमारे, सच में ये गजब ही राइडर है। ऐसे भगा देता है ना भाई यार, बच्चे को जब तुम लेके जाते हो ना उसे मत भगाना यार। भाई को ये ऐसा भूत बनाया था इन्होंने परसों, गाड़ी मानना पड़ेगा यार कसम से। तो चले फिर शांति स्तूपा, उसके बाद रेंचो वाला एक टेम्पो भी है ना स्कूल, रेंचो वाला उधर जाना है, दो तीन जगह और जाना है। और हाँ इंस्टाग्राम में फॉलो पक्का कर देना यार, मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक डाला है, वहाँ पे हम लोगों की एक से एक फोटो आने वाली है। मैं जब भी कहीं भी ट्रैवल कर रहा होता तो उसकी स्टोरी डाल देता हूँ। बाकी रील्स आती है एक से एक, और रील्स में आप लोग जैसे किसी लोकेशन में गए तो आप कहाँ पर कैसे शूट कर सकते हो वो सब आप लोगों को एंगल पता चल जाएगा, फोटो का भी आप लोगों को एक आइडिया आ जाएगा। एक इंडिया का फ्लैग ले लेते हैं। यहाँ अंधेरी गली से होते हुए जा रहे हैं हम लोग, वैसे अंधेरा हो रहा है, चश्मा पहन रखा उल्टा ऊपर, चश्मे में कुछ पता भी नहीं चल रहा है। ये पूरा ग्रुप आ रहा है, मेरे को दिख भी नहीं रहा कुछ। लद्दाख की तंग गलियां, तो यहाँ से हम लोगों ने जाना है चलते 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 ऊपर शांति स्तूपा। और सब लोगों को मैंने चैलेंज दिया है कि यार बिना रुके, मतलब कम से कम चलना तो है, रनिंग नहीं भी करेंगे तो कम से कम चल के तो जाएंगे बिना नॉन स्टॉप। हटाना करता हूँ तुम लोग ऊपर पहुंचो। नहीं देखो ये अभी से कन्नी काटने लग गए, देखो यार ऐसा थोड़ी होता है, देखो अभी शादी नहीं हुई है उसके ऊपर से यार ऐसा। दूसरा पार्टनर ऊपर सीढ़ी चढ़ गया क्या वे? हाँ चलो जल्दी चलो, ये दोनों चले गए, रुको तुम जाओ अभी तुम्हें पछाड़ते हैं हम लोग, तुम सीढ़ियों से जाओ हम शॉट मारेंगे इधर से। थोड़ी सी हाइट बची लेकिन ये थक जा रहा है बंदा, बीमार है इसलिए। बाकी बड़े भाई साउथ अमेरिका से आए ना, और इसको इनको 3 साल हो गए कोरोना में इधर ही थे। वेनेजुएला से हूं और मैं हूं। हिंदी आती है आपको? थोड़ा थोड़ा नो, थोड़ा समझ में आता है। ऑलमोस्ट 3 इयर्स, 3 साल। क्या-क्या सीख लिया अभी 3 साल में? 3 साल लिविंग इन इंडिया यार। हां बट नो डोंट आस्क मी टू मच क्वेश्चन। ओके ओके ओके, आई डोंट नो टू मच। ओके, व्हाट इज योर प्रोफेशन? I am physiotherapist and psychologist. Okay. But 10 years, mostly of the time, I've been yoga teacher. Okay. And yoga teacher. So. Okay. So now, what is your source of income? Oh, different. I dedicate my life to different things. You know, okay. not only yoga teacher. I have my yoga school, but in where? No, in Venezuela. Venezuela. Okay. Venezuela. Okay. I am now teaching online. Okay. But most of the time. Some people ask me advice about physiotherapist. Of course I will. What is this? Lungi? Lungi dance, yeah. Lungi dance. You know Lungi dance? Yeah, it's very bad. Okay. So finally, जैसे तैसे कैसे हम लोग just पहुँचने वाले हैं, मतलब 10 मीटर 15 मीटर दूर होगा, 100 नहीं होगा, 15-20 मीटर। देखो टूरिस्ट काफ़ी साइलेंस प्लीज बहुत ज़्यादा है। ओह साइलेंस, वाह एकदम शांति है। और मैं भी कोशिश करूंगा कि कम से कम बोलूं, बट आप लोगों को दिखाने के लिए थोड़ा बहुत बोलूंगा। सो गाइस अगर इधर आए हैं तो फिर यार मेडिटेशन करना बनता है, लेकिन अभी हल्ला इतना है कि हम लोग नहीं कर पाएंगे। सो हम लोग मॉर्निंग में आएंगे इधर मेडिटेशन करने, बाकी आप लोगों को दिखा दिया। सो धीरे धीरे रात स्टार्ट हो गई है और अभी हम लोग शांति स्तूपा में ही हैं, लेकिन लोकेशन देखो यार क्या मस्त लग रही है, वाह। तो आप लोग इवनिंग के टाइम पर आओ ताकि आप लोग ये भी कैप्चर कर पाओ। मॉल रोड से अंदर हम लोग हैं तिब्बतियन रेफ्यूजी मार्केट, अपोजिट टैक्सी स्टैंड नियर कांग्रेस ऑफिस। वाह भाई यहाँ की तो चमक ही अलग है, ओए होए एक से एक एंटीक पीसेस हैं। उसके अलावा सब कुछ मिल जाएगा इधर आप लोगों को, मतलब अच्छी खासी शॉपिंग कर सकते हो अगर आप लोगों के अंदर बार्गेनिंग की पावर है तो। ये ले ले कार के ले, ये एक 50 का है
अच्छी क्वालिटी का होगा ना, क्वालिटी का भी होता है कंप्यूटराइज है ये ले ले ये, क्योंकि ये 10-20 रुपए के भी मिल रहे हैं लेकिन उनकी क्वालिटी अच्छी नहीं है। ये क्या कर रहे हो तुम? अलादीन जिन चिराग निकाल रहे हो? जिन जिन निकाल रहे हो? जिन बोतल या फिर जिन? अच्छा अच्छा ओके। अंकित पता से किसके लिए ले जा रहा है तो बड़ा सही वैसे प्राइवेट फोर वाला। किस चीज़ का बना? कपड़ा क्या है? कपड़ा सही है। भैया से बात करने में मजा आ रहा है, इनका लहजा जो है बहुत अच्छा है। क्यों भाई जान, लहजा आप लोगों का बहुत अच्छा है और आप लोग बड़े खूबसूरत होते हो। देखो कैमरे भी ऐसे चमक रहे हो आप, कसम से अभी तो डिस्काउंट दे दो। सो लड़के ने ले लिया है, बाकी भाई लोगों ने मतलब अच्छा खासा डिस्काउंट कर दिया है और हमारे नए सब्सक्राइबर जुड़ गए हैं हिमालयन ट्रैवलर। आप लोग देखना, लेकिन थोड़ा टाइम में आएगा 15-20 दिन के बाद, लेकिन देखना कि भैया बड़ी खूबसूरत पेंटिंग बना रहा है हाथ से। मतलब और जगह बोलते हैं हाथ से बनी है, बट ये सारी की सारी जो पेंटिंग्स हैं भैया ने खुद से बनाई है हाथ से। वाह। और मतलब जो रेट है ना, सबसे बड़ी बात रेट भी 450 जेन्यून रेट है। मज़ा आ गया सच में, क्रिएटिविटी हुई है। क्यों जी। तुम भी खोल लो रॉयल एनफील्ड का शोरूम इधर। क्यों भैया इतने गजब मैकेनिक है ना ये, क्या खोलना है नहीं तो वहाँ खोलना स्पीति में, वहाँ पर एक ही मैकेनिक है और मतलब वो भी कर दे। हम इन्वेस्टमेंट बताओ खोलोगे? अच्छा कितने महीने चलेगा उधर? वहाँ सीजन चलेगा भैया 4-5 महीने का। बहुत अच्छा, 4-5 महीने फिर उसके बाद अपना जहाँ भैया कश्मीर से जहाँ भी एक पूरे साल में कर दूंगा ना वहाँ आपका कुछ महीनों में आपका। मैं तो हम तो उत्तराखंड के हैं, वहाँ पे तो है ही। मैं बोला ना जितना आप वहाँ पर अपना बिजनेस कर लेते होंगे ना उतना आप वहाँ जा पाएंगे। देखो सोच लो और यहाँ पैसा ही पैसा, बाकी ऑफ सीजन में वहाँ जाना हमारे सोचते हैं। सो अंकित को ज्यादा ही दिक्कत हो रही है तो इसने अभी राइड को यहीं पे छोड़ना पड़ रहा है ना। तो जा रहा है कल दिल्ली, इसने अभी टिकट बुक करा लिया मॉर्निंग का। तो कल से अब हम लोग इतने बंदे बच रहे हैं और ये अब ये हमारे जो दाऊद इब्राहिम है भानु भाई, ये इसकी ड्यूक लेके आएंगे। कहाँ तक ले लानी है आपने? कहाँ तक लेके आनी है तेरी गाड़ी? सहारनपुर तक गाड़ी लेके आनी है अब तुम लोग तुमने। ठीक है, यही मार्केट में टी शर्ट शॉप में हूँ मैं। काफ़ी अच्छी हाथ से हैंडमेड जो है टी शर्ट में प्रिंट है, लेकिन वो ये कि कलर की दिक्कत आ रही है, लेकिन है गजब टी शर्ट। मीडियम साइज में कलर मिल नहीं रहा है मुझे, अगर आप लोग आओगे तो ले सकते हो। 300 रुपये की टी शर्ट है, 300 हर जगह सेम रेट। अभी जस्ट हम लोग आए हैं लेह के ड्राइव फ्रूट शॉप में। ये सारे ये आधा कहाँ से है? अफगानिस्तान में। तो भैया दंगे चल रहे हैं। क्या क्या बोला, कितना बोला भैया ने? 800 रुपये तो हम लोगों के लिए कंसेशन लगाया, 700 रुपये भैया ने। और ये कितने का है अंजीर? अंजीर हाँ कितने का है? 350 ये तो आपने पहाड़ वाले रेट ही लगा दिए। पहाड़ वाले नहीं सर, ये हमारे यहाँ भी इतने का ही आता है। सवाल ही नहीं है, आप खोल के देखो। बाई गॉड कर रहा हूँ सर जी, बाई गॉड मत बोलिएगा। ऐसा नहीं करते हैं, कसम मत खाई, बस मैं देता हूँ। ये देखिए ऐसा, फिर अगर खाएंगे ना मैं भी बेचता हूँ। ये जो मैं आपको दे रहा हूँ ये तो इसमें तो थोड़ा सा शुगर रहता है ना, ये अलग चीज है तो ठीक। गाइज रात के टाइम में हम थोड़ी सी चोरी कर रहे हैं, देखो सेब चोरी कर रहे हैं। एक्चुअल में क्या है कि ना, देखो पेड़ किसी का नहीं होता है, मतलब अब यार 2-3 सेब चोर लिए तो मतलब बुरा मत मानना, चोर नहीं है। चोरी का ऑर्गेनिक एप्पल, चोरी का ऑर्गेनिक एप्पल बहुत मीठा है। मीठा है बहुत ही। सो लास्ट डिनर हो रहा है हम लोगों का आज। एग करी बनी है, दाल बनी है अंकल ने बनाई है, एग करी आज चावल है, बाकी रोटी है। लास्ट डिनर मेरे साथ, हाँ अंकित के साथ लास्ट डिनर, पानी के साथ खाएगा वो तो। खैर ये हमारे दाऊद इब्राहिम आ गए। एक बड़ी खास चीज़ है जो कश्मीरी चावल होता है, ये हमारे यहाँ जिसको भात नहीं बोलते हैं वही वाला होता है, खाने में टेस्टी होता है लेकिन।
हर जगह आप लोगों को यही चावल देखने को मिलेगा। कश्मीरी है। कश्मीरी चावल है।